Assalamu alaikum. So now in this video we will discuss MCQs of general anatomy. पिछली वीडियो में हम थोरैक्स और थोरैक्स के डिस्कस कर चुके हैं. अब जनरल एनाटॉमी के MCQs. So the first MCQs of general anatomy is an example of hyaline cartilage. So you should know about all the example of hyaline cartilage, elastic cartilage and fibrous cartilage because ये बहुत important है और ये viva में भी पूछी जाती है. बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है. सो द राइट आंसर इज एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट जो कि बोन में प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे हाइलन कार्टिलेज होती है. उसके अलावा हमारे पास हाइलन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है कोस्टल कार्टिलेजेस में, कार्टिलेज ऑफ नोज, ट्रेकिया, लाइनिंग एंड ऑफ सम बोन्स जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया. एम्ब्रियोनिक स्केलेटल में हमारे पास हाइलन कार्टिलेज होती है. अगर इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें तो आप जो एपिग्लॉटिस होता है और जो एक्सटर्नल ईयर का फॉर एग्जांपल पिन्ना होता है तो ये इसमें इलास्टिक कार्टिलेज होती है. सो आपको सारी कार्टिलेजेस की एग्जांपल अच्छे से आनी चाहिए. सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग हैव द टू डिफरेंट नर्व सप्लाई एक्सेप्ट. अब एक बात याद रखिए, प्रोफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि आपने ना इंटरनेट से सर्च करके सारी डुअल नर्व सप्लाई वाले मसल लिख लेने हैं बिकॉज ये आपको पता होने चाहिए. डुअल नर्व सप्लाई वाले मसल वो पूछे जाते हैं, वो पूछते हैं कि अपर लिम में डुअल नर्व सप्लाई वाले मसल कौन से है, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. वैसे ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है. तो आपको सारी डुअल नर्व सप्लाई वाले सारे मसल अच्छी तरह पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसमें एक नर्व सप्लाई डैमेज होगी तो कुछ पार्ट मसल का वर्क करना छोड़ता है, सारा नहीं. अब इसमें हमारे पास जो जो ऑप्शन है इसमें ये सारे की डुअल नर्व सप्लाई है. flexor digitorum profundus, adductor magnus, tibialis interior and digastric. So किसकी dual supply नहीं है? dorsal, palmal, introhii इसकी dual supply नहीं होती, इसकी single supply होती है. आपको सारे muscles upper limb और lower limb और सब की पता होने चाहिए dual supply किस किस की है. ये MCQs है. तो और ये बहुत important MCQs है. तो ये इसका answer है dorsal, palmal, introhii. So the next MCQ is an example of secondary cartilaginous joint. So आप लोग को cartilaginous joint की अच्छी तरह characteristic पता होने चाहिए. तो example से पहले मैं आपको कुछ इनके character बता देता हूँ. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए secondary cartilaginous joint को हम symphysis भी कहते हैं. एक ये MCQs है तो symphysis कहते हैं. इसके अलावा आपको इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे फिर present हो सकता है. एक तो इसके अलावा जो इन options में है उसमें है pubic symphysis. ये pubic symphysis में present हो सकता है और ये usually permanent joint होता है और यहाँ पे ना बहुत कम movement होती है. इधर little movement होती है, ये almost हमारे पास permanent होता है. और pubic symphysis में उसके अलावा हमारे पास जो right answer इधर है वो intervertebral disc. आपको पता है intervertebral disc पे एक हद तक movement possible है, उससे ज्यादा movement इधर possible नहीं है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. तो आपको इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए. उसके अलावा अब हम बात करते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि एमसीक्यूज में वो भी पूछा जाता है. उसका दूसरा नाम होता है सिंकोंड्रोसिस. इसका क्या था? सेकेंडरी का सिंफिसिस, प्राइमरी का सिंकोंड्रोसिस. उसमें हमारे पास वो टेम्परेरी होता है, वो इमूवेबल होता है. अब वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो बिल्कुल प्राइमरी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही. इसमें क्या सेकेंडरी में था? लिटल मूवमेंट पॉसिबल थी, प्राइमरी में कोई मूवमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका जॉइंट बिटवीन एपिफिसेस एंड डायफिसेस, आपको पता है आपकी बोन्स में तो कोई मूवमेंट नहीं होती ना. जहाँ पे बोन्स आपस में मतलब पूरी ह्यूमरस है वहां पे उसका एपिफिसेस है, डायफिसेस है. अब उधर तो कोई मूवमेंट नहीं होती ना. तो बेसिकली प्राइमरी हमारे पास बिल्कुल इमूवेबल होता है, सिंकोंड्रोसिस उसको कहते हैं. और एपिफिजियल प्लेट और डायफिजियल प्लेट यहाँ पे वो डायफिसेस में प्रेजेंट होता है. सो आपने ये याद रखना, दीज ऑल आर एमसीक्यूज पॉइंट. So the next MCQs, mastoid process is which type of epiphysis? तो पहली तो बात याद रखेगा, epiphysis is very important. आपको epiphysis आने चाहिए because epiphysis का question SEQ भी आता है और इसमें से MCQs भी आते हैं. अब mastoid process कौन सा epiphysis है मैं ये बताऊंगा, उसके अलावा बाकी सारे epiphysis की कुछ examples बताऊंगा जो आपको idea होना चाहिए. तो जो हमारे पास होता है ना mastoid process, it is a basically type of tracheal epiphysis. तो आपको ये एपिफिसिस पता होना चाहिए. उसके अलावा ट्रैक्शन एपिफिसिस में कौन से आते हैं? ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस. तो हमारे पास क्या क्या आ गया? एक तो हमारे पास आ गया मेस्टोइड प्रोसेस, उसके बाद ट्यूबरकल्स जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस पे, और ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर.
ये हमारे पास होते हैं मेस्टोइड एपिफिसेस और ट्रैक्शन एपिफिसेस। एपिफिसेस का आपको टाइप्स आनी चाहिए, उसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। एसईक्यू अगर मैं इतना आता होगा ना, आपको मेजर बल्क मार्क्स का मिल जाएगा, उसकी डेफिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट। अब सबसे पहले प्रेशर एपिफिसेस देखें। प्रेशर एपिफिसेस में जो आपको पता है ना, हेड ऑफ फीमर होता है, हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, फिर उसके अलावा कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया एंड लोअर एंड ऑफ द रेडियस। तो ये हमारे पास आते हैं प्रेशर एपिफिसेस। एटाविस्टिक एपिफिसेस, एटाविस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिफिसेस है। ये आपको हमेशा इसकी एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। जो हमारे पास होता है ना कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ये हमारे पास होते हैं एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिसेस और ये एमसीक्यूज है। एटाविस्टिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है जो होता है कोरकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। उसके अलावा पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द टेलस भी हमारे पास होता है एटाविस्टिक। एटाविस्टिक बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये सबसे अगर फेवरेट पूछा जाए ना तो एटाविस्टिक होते हैं। एबेरेंट टाइप में हमारे पास आ जाता है हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द बेस ऑफ अदर मेटाकार्पल। तो ये हमारे पास कुछ एपिफिसेस की एग्जांपल्स है। तो यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल। और आपको पूछा जाता है एन्यूमरेट द टाइप ऑफ एपिफिसेस, तो आपको इन एपिफिसेस के नेम्स आने चाहिए। So the next MCQs, all of the following arteries are end arteries except. अच्छा, अब हमने बताने के कौन सी end artery नहीं है। End artery अगर जो होती है ना, अगर वो हमारे पास occlude हो जाए तो उसको कोई alternative path नहीं मिलता जिससे वो blood supply कर सके। अब इसका right answer ये है कि कौन सी end artery नहीं है, cortical branches of the cerebral artery। अब पहले मैं बताऊंगा इसमें एक बड़ी important चीज। अब cerebral ये एंड आर्टरी नहीं है, कॉर्टिकल ब्रांच ऑफ सेरिब्रल आर्टरी एंड आर्टरी नहीं है, लेकिन सेंट्रल ब्रांच ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड आर्टरीज है। यानी अगर तो ऑप्शन में होगा ना कॉर्टिकल ब्रांच, तब ये एंड आर्टरी नहीं है। अगर यहाँ पे इसी ऑप्शन को वो कर देता सेंट्रल ब्रांच ऑफ द सेरिब्रल, तो वो होती एंड आर्टरी। तो ये बड़ा ध्यान रखना है, वो दोनों ऑप्शन दे सकता है, वो कॉर्टिकल ब्रांचेस भी दे दे और वो सेंट्रल ब्रांचेस भी दे दे, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉर्टिकल ब्रांचेस आर नॉट एंड आर्टरीज, जबकि सेंट्रल ब्रांचेस एंड आर्टरीज होती है। उसके अलावा अब एंड आर्टरीज की एग्जांपल्स जो हमेशा याद रखना, एक स्प्लीनिक की, फिर रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज आर एंड आर्टरीज, ये बात याद रखनी है कि जो किडनी की सप्लाई है ना वो भी एंड आर्टरीज होती है, स्प्लीन की भी एंड आर्टरीज होती है, मेटाफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स वो भी एंड आर्टरीज होती है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना ये भी एंड आर्टरी है, वेजर रेक्टर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी एंड आर्टरीज है। अब उसके अलावा आपके पास एक और एंड आर्टरी जो मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल ब्रांच ऑफ सेरेब्रल आर्टरी, ब्रेन की जो सेंट्रल ब्रांचेस होती है सेरेब्रल आर्टरीज की, वो भी एंड आर्टरीज होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है सारे के सारे। So the next MCQ is what type of joint is a median atlanto-occipital joint? So atlanto-occipital joint कहाँ पे present होता है? आपकी जो vertebra होती है atlas and axis and atlas, तो ये इनके दरमियान होता है। So this type of joint is a pivot variety of joint and this is important one। ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह पे आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ vertebra में ये होता है pivot type, जिसकी वजह से आप गर्दन घुमा सकते हो। अदरवाइज अगर ये हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ जॉइंट या कोई और जॉइंट होता, आप लोगों ने जैसे पढ़ा है ये हमारे पास सिम्फिसिस होता अगर, तो कितना मुश्किल होता, आप तो गर्दन घुमा ही नहीं सकते थे, आप सिर्फ यस नो की करते। अब ये हमारे पास है पिविट टाइप ऑफ जॉइंट। पिविट टाइप ऑफ जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें और एग्जाम्पल रेडियो अल्नर का प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड पे दोनों जॉइंट, उसको वो भी पिविट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ जॉइंट होते हैं। तो आप लोगों को पिविट जॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली एटलेंटो एक्सियल जॉइंट की एग्जांपल हमेशा ज़हन में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये बेसिकली हमारे पास जॉइंट होता है थंब का। थंब का जो जॉइंट होता है उसके हमेशा याद रखनी है, इट इज अ सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट, सो यू शुड हैव टू नो अबाउट दिस के थंब का जॉइंट कौन सा होगा, सैडल वैरायटी। अब सैडल जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके अलावा जो हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होता है वो भी सैडल वैरायटी जॉइंट होता है। उसके अलावा हमारा जो ईयर होता है ना, इसमें इनकस और मेलियस के दरमियान में जो जॉइंट बनता है वो भी हमारे पास क्या होता है, सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट। तो सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट हमारे पास थंब का हो गया,
स्टर्नोक्लेविकुलर हो गया और मेलियस और इनकस का हो गया. सो द राइट आंसर इज बीटा. सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ द बाइपेनेट मसल. सो बाइपेनेट मसल की बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेक्टस फेमरस. सो द राइट आंसर इज रेक्टस फेमरस. तो आपको यूनिपेनेट मल्टीपेनेट इन सबकी एग्जांपल्स अच्छी तरह आनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल मल्टीपेनेट की डेल्टॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. तो ये आपने अच्छी तरह सारे मसल्स के नेम करने हैं और इनकी एग्जांपल्स करनी है. सो द लास्ट एमसीक्यू इज टेम्पोरोपराइटल सूचर. सो ये हमारे सूचर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्कल में. तो ये सारे सूचर्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. अगर इसमें आप लोग को मसला हो रहा है तो आप ना स्कल की बोन्स के नेम्स याद कर लें, जो मेन मेन है टेम्पोरोपराइटल मेस्टोइड और ये सारी जो बोन्स है ना इनके दरमियान में प्रेजेंट है सूचर. तो हमें इन सूचर्स के नेम पता होने चाहिए और ये सूचर्स की डायग्राम्स देखें. ये सारे सूचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी रीजन ये सूचर्स के बारे में पूछा जाता है. ऑल्दो ये सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे पर जनरल नेट में फर्स्ट ईयर में है. तो आपको पता होना चाहिए जो टेम्पोरल पैराइटल सूचर होता है दिस इज बेसिकली स्क्वेमस टाइप ऑफ द सूचर. आपको बाकी सूचर्स के नेम भी आने चाहिए बिकॉज दिस इज एससीक्यू एज वेल एज एमसीक्यू. सो आई ट्राई टू कवर अ लॉट ऑफ पॉइंट फ्रॉम द जनरल एनाटॉमी सो यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट. सो डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज जितना आप नॉलेज सेपरेट करते हैं जितना लोगों तक पहुंचाते हैं आप लोगों को उतना ही नॉलेज मिलता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.